मारुति सुजुकी ने ऑटो एक्सपो में फाइनली अपनी रगेड ऑफरोडर जिम्नी को शोकेस कर दिया। अब प्राइसेस जो है वो अनाउंस होंगे मई के महीने में और बुकिंग्स फिलहाल ओपन है। मई तक वेट करे या नहीं, तुरंत ही कोई और ऑप्शन कंसिडर करे, आइए इस वीडियो में पता लगाते हैं। आप देख रहे हैं का देखो, माई नेम अरुण, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक्स ऑफ द मारुति सुजुकी जिम्नी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मारुति सुजुकी जिम्नी सिर्फ और सिर्फ भारतीय बाजार के लिए एक 5-door मॉडल है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3-door मॉडल कब आएगा, द आंसर टू दैट इज नहीं आएगा। फिलहाल 3-door मॉडल लॉन्च करने के कोई प्लान्स नहीं है। मारुति सुजुकी जिम्नी में एक 1.5 लीटर 4-cylinder पेट्रोल इंजन मिलता है, मैनुअल और 4-speed ऑटोमेटिक के साथ। अच्छी बात यह है कि 4x4 विल बी ऑफर्ड एज स्टैंडर्ड। चलिए अब देखते हैं कि मारुति सुजुकी जिम्नी के लिए वेट करने के मेन रीजंस क्या है। जिम्नी एक प्रॉपर ओल्ड स्कूल ऑफरोडर है, बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन के साथ। यहां पर अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 210 मिलीमीटर का। जो अप्रोच, ब्रेकओवर और डिपार्चर एंगल्स है वो भी काफी अच्छे हैं। और इसका जो लाइट वेट है वो भी सीजन्ड ऑफरोडर्स बहुत अप्रिशिएट करेंगे। यहां पर ऑल व्हील ड्राइव नहीं, प्रॉपर 4x4 सिस्टम दिया गया है विद 2 high, 4 high and 4 low मोड्स। तो अगर आप ऑफ रोडिंग का शौक रखते हैं और आपको जिप्सी की लाइटनेस और हाई रेविंग पेट्रोल इंजन पसंद है, तब आप जिम्नी से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए वेट भी कर सकते हैं। 3-door से 5-door होने के बावजूद मारुति सुजुकी जिम्नी ने अपना स्वैग बरकरार रखा है। अब मुझे तो ये एक मिनी जी वैगन ही लगती है। आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? Let me know in the comments below। इसका जो बॉक्सी डिजाइन है, अपराइट स्टांस है और जो बूट पर स्पेयर व्हील लगा है, ये उन लोगों को पसंद आएगा जो अपने SUV को शो ऑफ करना चाहते हैं। इंटीरियर में भी वो रेट्रो चार्म विजिबल है। अब चाहे वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हो जो मुझे जिप्सी की याद दिलाता है, या वो वर्टिकल सेंटर कॉन्सोल जो पर्पस बिल्ट लगता है, ओवरऑल फॉर्म और फंक्शन दोनों आपको जिप्सी में मिलेगा। और जो शो ऑफ कोशेंट है वो जिम्नी में काफी हाई है। इफ दैट इज समथिंग यू वांट, कंसीडर वेटिंग फॉर द मारुति सुजुकी जिम्नी। देखिए, जिम्नी कोई सुपर स्पेशियस SUV तो नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर रियर सीट्स में 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। एंड इवन एज अ 4-seater जो बूथ स्पेस बचती है वो मोर देन इनफ है फॉर अ वीकेंड ट्रिप। लेकिन अगर सिर्फ 2 लोग ही जिम्नी को यूज कर रहे हैं, तब आप रियर सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं और एक बड़ा सा लोडिंग एरिया यूज कर सकते हैं। नहीं तो जो फ्रंट सीट्स है उसे आप रिक्लाइन कर सकते हैं और गाड़ी के अंदर ही बिस्तर बना सकते हैं। अगर आप कैंपिंग का शौक रखते हैं तो ये फीचर आप जरूर अप्रिशिएट करेंगे। जिम्नी का डिजाइन ओल्ड स्कूल है, लेकिन यहां पे मॉडर्न फीचर्स की कोई कमी नहीं है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट देखें, वहां भी 9 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है और सेफ्टी के मामले में 6 एयरबैग्स मारुति सुजुकी ऑफर कर रहा है, दैट टू एज स्टैंडर्ड। तो अगर आपको वो ओल्ड स्कूल वाइब के साथ मॉडर्न फीचर्स भी चाहिए, तब आप जिम्नी के लिए रुक सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपके ऑल्टरनेटिव्स क्या है एंड व्हाट आर द मेन रीजंस टू कंसीडर देम ओवर द जिम्नी। पहला ऑप्शन ऑब्वियसली है महिंद्रा थार। थार के पास एक ऑब्वियस एडवांटेज है और वो है साइज का। जो 3-door थार है वो 5-door जिम्नी के साइज की है। इनफैक्ट विड्थ और हाइट में ये जिम्नी से बड़ी है। और तो और, थार में आपको डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है, डीजल ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है और हाल ही में महिंद्रा ने 4x2 ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अगर आपको कैपेबिलिटी के साथ साइज भी चाहिए, तब आप थार को तुरंत ही कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फोर्स गुरखा। अगर कॉम्प्रोमाइज है कंपेयर टू द जिम्नी तो वो है इंटीरियर क्वालिटी में और फीचर्स में, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा बेहतर स्पेस और एक टॉर्की डीजल इंजन मिल जाता है। हाँ, ऑटोमैटिक का ऑप्शन आपको फोर्स गुरखा में नहीं मिलेगा। एक अटपटा सा ऑप्शन है स्कॉर्पियो एन का Z4 4x4 वेरिएंट। ये स्कॉर्पियो एन का बेस 4x4 वेरिएंट है और अगर आपकी फैमिली बड़ी है, 7 seats का होना 4x4 जितना ही जरूरी है, तब आप स्कॉर्पियो एन को कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, कुछ फीचर्स पर आप मिस आउट कर जाएंगे कंपेयर टू द जिम्नी, लेकिन ऑब्वियसली आपको बड़ी गाड़ी मिल जाएगी और 7 seats की कैपेबिलिटी भी। और एक अटपटा ऑप्शन है ग्रैंड विटारा और हाई राइडर के ऑल व्हील ड्राइव वर्जन्स। अगर ऑफ रोडिंग हार्ड कोर नहीं होगी, माइल्ड ऑफ रोडिंग करनी है, सिर्फ फार्म हाउस तक जाना है,
तब ऑल व्हील ड्राइव से अगर काम चल सकता है और आप बजट स्ट्रेच करके एक प्रॉपर मॉडर्न फैमिली एसयूवी लेना चाहते हैं, तब आप ग्रैंड विटारा या हाई राइडर के ऑल व्हील ड्राइव वर्जन्स को कंसिडर कर सकते हैं ओवर द जिमनी। तो जिमनी के लिए वेट ना करने के रीजन्स आखिर क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, फाइव डोर होने के बावजूद जिमनी कुछ खास बड़ी नहीं है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, आप हट्टे कट्टे हैं, आपकी हाइट 6 फीट के करीब है, तब आपको जिमनी का कैबिन क्रैम्प लगेगा, आप उतना कंफर्टेबल गाड़ी के अंदर महसूस नहीं करेंगे। समथिंग लाइक अ थार विल फील अ लिटिल मोर स्पेशियस टू यू। दूसरी बात, अगर आप ऑफ रोडिंग में डीजल का टॉर्क प्रेफर करते हैं, तब वो ऑप्शन आपको मारुति सुजुकी जिमनी में नहीं मिलेगा। इट्स बेटर टू कंसिडर द ऑल्टरनेटिव्स। ओवरऑल जिमनी के लिए तब ही वेट कीजिए जब आप इसके लुक्स पर लट्टू है, या तो आप इसे प्रॉपरली ऑफ रोड ले जाना चाहते हैं। और एक रीजन ये हो सकता है कि आपको एक छोटी एसयूवी चाहिए जो सिटी ड्राइव्स आराम से संभाल ले और साथ में आपके वीकेंड कैंपिंग ट्रिप्स पर भी काफी केपेबल साबित हो। तो जिमनी एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है। अगर आप शो ऑफ करना चाहते हैं, इट इज़ फॉर यू। अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, इट इज़ फॉर यू। लेकिन एज अ फैमिली कार मे बी इट्स नॉट मेंट फॉर यू। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूले। जिमनी के बारे में कोई भी क्वेश्चंस और क्वेरीज और डाउट्स हो, प्लीज लीव देम इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई टू यू पर्सनली। दैट्स इट फॉर दिस वन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द कार देखो यूट्यूब चैनल, हिट दैट बेल आइकन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।